दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताया गया था कि आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का सवाल या कमेंट आया कि जब हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आधार कार्ड तो डाउनलोड हो जाता है बट आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं वो पूरा नहीं दिखते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे आप जो है जब आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे पूरा नंबर आपको दिखेगा। बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको ये बताएंगे करके और इस वीडियो में लाइव बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है आधार कार्ड डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको ये कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर का जो वेबसाइट खुलेगा UIDAI का वेबसाइट खुलेगा, तो इस पर आपको आ जाना है। तो आने के बाद इस पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस जगह। आप जो है आधार नंबर से भी यहाँ पे आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इनरोलमेंट आईडी से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम आधार नंबर दे चुके हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, आधार कार्ड जब आप डाउनलोड करते हैं पूरा नंबर इसीलिए नहीं होता है कि आप इस पर क्लिक कर देते हैं आई वॉन्ट ए मास्क्ड आधार, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, तो इसको अनटिक कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है तो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। कैप्चा देने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद कि आधार मोबाइल में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। ओटीपी को इंटर करने के बाद इस पेज को आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एस या नो कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे एस या नो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। और तो चलिए हम वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद मेरा जो है आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, वो भी पूरा आधार नंबर के साथ। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये मेरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो अब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम है पंकज कुमार और आपका जन्मतिथि है 20/1/1989, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पंकज का जो है स्टार्टिंग में शुरू का 4 लेटर कैपिटल में आपको लेना है PANK, तो उसी तरह से आपका भी नाम का लेना है स्टार्टिंग का 4 लेटर शुरू से वो भी कैपिटल में, जैसे पंकज कुमार आपका नाम है PANK, ठीक है 4 लेटर। के बाद ईयर ऑफ बर्थ लेना है, जैसे कि आपका 1998/1999 होगा, ये हो गया, यानी कि आप समझ गए आपके नाम के शुरुआत के 4 लेटर कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ लेना, पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं कि मेरा जो आधार कार्ड जो डाउनलोड हुआ है वो पूरा नंबर के साथ डाउनलोड हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि किस तरह से जो है आपको आधार कार्ड जो है पूरा डाउनलोड करना है उसका नंबर सहित। तो इस वीडियो में आपको ये अगर जानकारी अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। कोई सवाल या सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।